जो कि आप इख्तिताम हफ्ता मुसलसल देखते रहे हैं। अब इस वीडियो के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं और सीरियस सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जिक्र करेंगे खबर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवाद के वाक़े के हवाले से जो वीडियो इख्तिताम हफ्ते टेलीविजन पर सामने आई, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला दिया है। इस वीडियो की अब क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं और ठोस सवाल भी हैं, और क्योंकि हमने इस वीडियो की तशहीर की और इस बारे में अपने रद्द अमल का और अपने व्यूज का इजहार किया, इन सवाल को भी हमें जरूरी है कि हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें या वो सवाल अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। ये वीडियो जिसमें एक लड़की को कोड़े मारते हुए दिखाई गई थी, इसके बारे में अव्वल ये नहीं पता चल रहा है कि ये कब रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी बात जो अभी इसमें अहम बात, वो अभी तक इसमें कोई ऐनी शाहिदीन नहीं है जिन्होंने कि ये कोड़े लगते हुए देखा हो। हमारी भरपूर कोशिश है कि हमें ऐनी शाहिद मिले या उस इलाके के अंदर ऐसे लोग मिले जिनके सामने यह वाकया हुआ हो, और अभी तक हमें इस कोशिश में कामयाबी नहीं हासिल हुई है। जो अहम सवालात इस वीडियो के हवाले से अब तक सामने आए हैं उसमें ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवालात हैं उसमें मिसाल के तौर पे वीडियो अगर मोबाइल फोन से बनाई गई है और एक फासले से बनाई गई है तो उसमें जो आवाज़ें आ रही हैं वो इस कदर वाजे क्यों हैं, और इसके अलावा ये कि अगर ये वीडियो कई माह पहले बनाई गई थी तो इसको इतने अरसे बाद मंजर आम पे क्यों लाया गया, किस तरह से लाया गया, और इसके लिए इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवात में निज़ाम अदल को नाफिज करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को ऑर्डिनेंस पे साइन करना है, और ये एंड उस वक्त ये वीडियो सामने आई जिससे वहाँ के निज़ाम के बारे में पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया। इसके साथ ही ये वाकया भी है कि अगर ये वाकया हाल ही में हुआ तो इसे शरई अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। ये भी कहा गया है कि 35 कोड़ों के बाद लड़की अपने पैरों पर मुलहका कमरे तक कैसे चली गई, अगर 35 कोड़े उसको लगे थे जैसा कि वीडियो में दिखाए जा रहे थे कि उसको चलने में फिरने में क्यों उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। ये भी बात साबित नहीं हो रही इस वीडियो से कि ये वाकया पाकिस्तान में हुआ या सवात में हुआ, किसी भी सूरत से ये बात कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही है। लड़की पर इल्जाम के हवाले से ठोस शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ये ज्यादती की थी, ये लड़की कौन है, ये लड़की अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। जो लड़की आइडेंटिफाई हुई है उसका ताल्लुक किसी और वाक़े से है और उसने इस किस्म के किसी भी वाक़े की मुकम्मल तौर पर नफी कर दी है। इसके अलावा इलाके के मकीन या उस पूरे इलाके में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाया है जिसने इस वाक़े की तस्दीक की हो या जो इसका ऐनी शाहिद हो। इलाके में मौजूदा हुकूमती अफसरान तमाम के तमाम इस वाक़े की एग्जैक्टली इस वाक़े की जो कि जिसकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में दिखाई गई उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कतई तौर पर कोई इल्म नहीं है। शायद यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस वाक़े की समाअत शुरू हुई और इसके लिए सूबे सरहद के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के IG पुलिस और वाकई हुकूमत के सेक्रेटरी इंटीरियर पेश हुए। इब्तदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत ताबसानी मुलतवी कर दी। इन सवालात के बारे में और इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी के बारे में हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज सहाफी और तजियाकार सुबह सरहद के मुमताज सहाफी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कुछ कुछ शाकी हैं इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी के बारे में? असल में कामरान साहब, अभी तक हमें पूरे वाकयात का इलम नहीं है, ये कहानी अभी अधूरी है और हमारे यहाँ ये है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं। जब तक सही मालूमात हासिल नहीं होंगे मेरे ख्याल में हतमी बात कहना मुश्किल होगा। अब देखें कि स्वात में जिस तरह के हालात हैं, एक तो वहाँ पे खौफ का अंसर है और हुकूमत का खौफ है, तालिबान का खौफ है, ख़ास तौर पे फौज भी वहाँ पे है, तो वहाँ पे देखें अभी तक मेरे जो इतला है कोई सहाफ़ी भी काला कले यानी जो गांव है वहाँ पे नहीं गया। हालांकि ये मिंगौरा से बहुत ही करीब है कबल तहसील में, और फिर वहाँ पे और जो लोग हो सकते हैं जो कि जाके मालूमात करें, वकला हैं या इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, कोई भी वहाँ पे नहीं। अच्छा, वहाँ सरकारी हुकाम गए, कमिश्नर गए और काजी जो हैं मटा तहसील के, उन्होंने ये दावा किया है, बयान लिया है चांद बीबी का और वो कह रहे हैं कि वो तरदीद कर रही हैं। उसका जो शोर है अदालत खान, उसका बयान रिकॉर्ड किया, वो भी कह रहे हैं कि ये वाकया नहीं हुआ। गांव के लोग भी इनकार कर रहे हैं। ये तो हम समझते हैं कि अगर ये वाकया हुआ भी है तो वो नहीं मानेंगे और गांव के लोग भी नहीं चाहेंगे कि इसकी तशहीर करें, उनकी बदनामी होगी। तो मेरे ख्याल में अभी तक हमें तो पूरी मालूमात भी नहीं है
اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا یہ غلط نہیں. رحیم اللہ صاحب, ظاہر ہے کہ سرکاری طور پہ تو اس کی جو بھی پکچر یا اس کا ورژن سامنے آیا اس کو یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن کوئی آزاد ذرائع, کوئی ایسے ذریعے جو کہ سرکاری نہ ہو, جو خوف میں نہ ہو, جو انفارملی یا جو فارمل طریقے سے نہیں, جو بالکل ایک پرائیویٹلی اس بات کو کنفرم کر سکے, جو کہہ سکے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہے جس سے کہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہو, کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اصل میں سوات کے جو صحافی ہیں یا عام لوگ بھی ہیں ان کے پاس تو یہ ویڈیو کافی دنوں سے موجود تھی, لیکن وہ اس کو نہیں چلا رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ شاید صحیح نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سوات کے لوگ چاہتے ہیں کہ امن معاہدہ برقرار رہے, اور اگر یہ ویڈیو سامنے آتی تو شاید وہ امن معاہدہ خطرے میں ہوتا اور وہاں جو امن بحال ہوا ہے وہ شاید پھر ختم ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ عینی شاہد تو کوئی نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ سامنے نہیں آ رہا, اور ان حالات میں میرے خیال میں کوئی سامنے بھی نہیں آئے گا. تو ابھی اس کا اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ کالا کلی میں ہوا یا کہیں اور ہوا. دیکھیں وہاں پہ ایک اور جو واقعہ ہوا تھا وہ چار باغ تحصیل میں ہوا تھا, اور وہ طالبان بھی مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سسر تھا, اس کی بہو تھی, اور ان کو بچوں کے ذریعے کوڑے مارے گئے تھے, ان کو سزا ہوئی تھی دونوں کو, تو وہ تو بات مانتے ہیں. اور پہلے یہ جو ویڈیو کا واقعہ ہے چاند بی بی والا, اس کی بھی طالبان کے ترجمان مسلم خان نے تصدیق کی تھی, لیکن شاید وہ ان دونوں واقعات کو مکس اپ کر رہے تھے. وہ اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے جو چالے ہوا تھا, جو قبل میں ہوا کالا کلی میں اس کے بارے میں شاید صحیح معلومات نہیں دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو چاہیے کہ اب وکلاء وہاں جائیں, صحافیوں کو سہولت مہیا ہو کہ وہ وہاں پہ جائیں, یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ جائیں, صحیح معلومات کریں تاکہ صحیح صورتحال سامنے آئے, اس لیے کہ کافی کنفیوژن ہے اور ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ یہ واقعہ واقعی سوات میں ہوا ہے, کالا کلی میں ہوا ہے, یہ لڑکی واقعی چاند بی بی ہے, عدالت خان اس کا خاوند ہے, یہ سارا جو ہے میرے خیال معاملہ اس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے. اچھا آپ یہ بتائیے طالبان کو خود کتنی آگاہی ہے کہ یہی وہ نظام یا وہ پکچر یا یہ ویڈیوز اور یہ جو چیزیں ہیں یہ باعث بنا طالبان کی پہلی حکومت کے زوال کا افغانستان میں اور ان کی تنہائی کا, اس چیز سے آگاہی ہے؟ کچھ پریگمٹزم آنے کی کوشش کر رہا ہے, کچھ یہ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو؟ آپ دیکھیں جو افغانستان کے طالبان تھے, کابل سٹیڈیم میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, انہوں نے ایک خاتون کو قصاص میں اس کو قتل کر دیا تھا, اس کی بھی ویڈیو بن گئی تھی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی, اور اس کے بعد پبلک اوپینین ویسٹ میں طالبان کے خلاف ہو گئی تھی. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ یہ ویڈیو بنی ہے یہ سوات میں ہے یا کہیں اور ہے, اس کی وجہ سے بھی طالبان کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے, اور جو لوگ ان کے حامی تھے شاید وہ بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں. میرے خیال میں طالبان کو اس بات کا احساس ہے, لیکن افغانستان کے طالبان تو اپنی کچھ غلطیوں کو مانتے ہیں, اس کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے. پاکستانی طالبان تو اب تک اپنی کوئی غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی, تبصرہ کر رہے ہیں.